हेलो गाइस, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको उन मूवीज़ के बारे में बताया था जिसमें वेस्ट हिंदी डबिंग हुई थी, जिसमें थी फिलहाल डेडपूल, थॉर रैग्नारॉक, बैटमैन वी सुपरमैन, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी मूवीज़ की हिंदी डबिंग। लेकिन अब जहां अगर एक जगह वेस्ट काम होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसी काम का सत्यानाश भी हुआ हो। इसलिए आज मैं इस वीडियो में उन सुपर हीरो मूवीज़ की हिंदी डबिंग के बारे में बात करने वाला हूं जो कि फिलहाल बेकार, घटिया या फिर कहा जाए वर्स थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी डबिंग उसी को माना जा सकता है कि जिसके इंग्लिश डायलॉग मीन को हिंदी डबिंग में ही सेम रखा गया हो, कम से कम बॉलीवुड या कहा जाए लोकल मूवीज का रेफरेंस दिया गया हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस मूवी की हिंदी डबिंग प्रोफेशनल हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ने ही करी हो। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सुपर हीरो मूवी को गैस करने के लिए 5 सेकंड दे रहा हूं जिसमें सबसे घटिया हिंदी डबिंग हुई है। तो चलो गैस करो। तो हाँ, अगर आपने डेडपूल 2 मूवी को गैस करा है तो आप पूरी तरह से सही हो। देखा जाए तो डेडपूल 1 मूवी की हिंदी डबिंग किसी भी सुपर हीरो मूवी की हिंदी डबिंग से कहीं ज्यादा अच्छी थी, जिसमें ओरिजिनल इंग्लिश डायलॉग को ही हिंदी में फनी डब करा गया था, बॉलीवुड मूवीज का कम से कम रेफरेंस दिया गया था, और सबसे मेन डेडपूल के कैरेक्टर को वॉइस दी थी संकेत महात्रे सर ने, जिनकी वॉइस सुनकर ऐसा लगता है कि खुद डेडपूल ने ही इंडिया में आकर हिंदी डबिंग करी हो। हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। So, अब जब डेडपूल 1 मूवी की हिंदी डबिंग ने इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर ही दिया था तो डेडपूल 2 मूवी की हिंदी डबिंग से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन हमें मिला क्या? आयशा पर, और हर पारिवारिक फिल्म की शुरुआत एक खून से होती है, जैसे रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, देखी होंगी आपने। इसके तो तन बदन में आग लग गई। अब रणवीर सिंह के बहुत ही बड़े फैन को छोड़कर किसी को भी इस मूवी की हिंदी डबिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन ये था कि रणवीर सिंह की पतली वॉइस डेडपूल की रियल हिंदी वॉइस जो कि फिलहाल संकेत महात्रे सर की थी उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा दबी हुई थी। देन इसके बाद उसको और किरकिरा करने के लिए इस मूवी की हिंदी डबिंग में रणवीर सिंह की हर मूवी का इतना ज्यादा रेफरेंस दिया गया था कि इस मूवी की हिंदी डबिंग को सुनकर आज भी ऐसा लगता है कि इस मूवी में रणवीर सिंह की सभी मूवीज का फ्री में प्रमोशन किया गया है। तो इसी वजह से प्रोफेशनल हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ना होने, बॉलीवुड का रेफरेंस, डायलॉग के मीन चेंज होने की वजह से ये क्लियरली बोला जा सकता है कि डेडपूल 2 मूवी की हिंदी डबिंग आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा खराब रहेगी, और ये परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कि आने वाले टाइम में कोई भी मूवी स्टूडियो अपनी मूवी की हिंदी डबिंग को डेडपूल 2 मूवी की तरह ना कराए। फिलहाल अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और सुपर हीरो मूवी की वर्स्ट हिंदी डबिंग पर, जो है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है वरुण धवन की हिंदी डब वॉइस, जो फिलहाल इस मूवी में कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की हिंदी डब वॉइस दे रहे थे। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते पर हम हार भी नहीं मान सकते। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि कम से कम सिविल वॉर की हिंदी डबिंग में ना तो डायलॉग के मीन को इतना ज्यादा चेंज करा गया था और ना ही कोई बॉलीवुड मूवी का रेफरेंस दिया गया था। एक चुटकी मिर्च की कीमत तुम क्या जानो विजन बाबू। सॉरी दोस्तों, इस एपिक सीन के बारे में मैं तो भूल ही गया था जिसमें वांडा एक रोबोट से एक चुटकी सिंदूर के बारे में मांग कर रही है। वाकई में ये वर्स्ट हिंदी डबिंग है। फिलहाल मैं कोई वरुण धवन का हेटर नहीं हूँ, ना ही कोई रणवीर सिंह का हेटर हूँ, लेकिन आप सभी की तरह एज सुपर हीरो फैन हम ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सुपर हीरो मूवीज के लिए क्या बेटर है। अब नेक्स्ट वर्स्ट हिंदी डबिंग मूवी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम सुनकर कई फैन जरूर सरप्राइज होंगे और ऑफेंड भी हो सकते हैं, इसलिए मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनना। सो ये मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, जिसकी हिंदी डबिंग फिलहाल उस लेवल की नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। आप में से शायद बहुत ही कम ही लोगों ने नोटिस करा होगा, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम की हिंदी डबिंग में कई ओरिजिनल यानी कि इंग्लिश डायलॉग के मीन को टोटली चेंज करके फालतू में बॉलीवुड मूवी के रेफरेंस को यूज करा गया था। एग्जांपल के तौर पर ये सीन जिसमें मूवी के मेन सुपर हीरो कैरेक्टर टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हॉलीवुड की कई टाइम ट्रैवल बेस्ड मूवी के नेम लेते हैं, जिसमें टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को यूज करा गया था। और अगर वाकई में अगर इन्हीं मूवीज के रेफरेंस को हिंदी डब में भी रखा जाता तो शायद कई फैंस इस मूवी के टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते, पर हमें मिला क्या? बिल्कुल। गाना क्यों गाएंगे हम? हीरो अक्सर गाना गाते। क्या, कौन हीरो? कहाँ देखा ये सब? मर्फी, दंगल, हीरोइन, हिम्मत वाला, चिल्लर पार्टी, राजा नटवरलाल, हैदर, और वो एबीसीडी। एबीसीडी 2 बॉलीवुड की हर पिक्चर में है, यहाँ तक कि एक्शन पिक्चर में भी गाना आ जाता है। एक्शन वाली याद नहीं आ रही है ना? राउडी राठौर। क्या यार, वाकई में इस हिंदी डबिंग का कोई भी सेंस नहीं बनता जहाँ पर सभी सुपर हीरो नाचने गाने की बात कर रहे हैं,
खैर इसी को टक्कर देने के लिए एवेंजर्स एंडगेम मूवी का ये सीन भी है, जिसके इंग्लिश वर्जन में रोडी नेबुला को वार्निंग देते हुए उसको आगे जाने से रोकता है, लेकिन भैया हिंदी डबिंग में तो चलो अब मैं इन दोनों सीन को भी भूल जाता हूँ, लेकिन किसी भी एवेंजर मूवी में जब कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स असेंबल बोलते हैं तो सच में वो सीन सबसे ज्यादा एपिक होता है। और एवेंजर्स एंडगेम में जिस तरह से सभी सुपरहीरो एक साथ इकट्ठे हुए थे तो ये एवेंजर्स असेंबल वाला सीन तो और भी ज्यादा एपिक होने वाला था, लेकिन इस मूवी की हिंदी डबिंग में तो उस एपिक लाइन को भी चेंज कर दिया गया और उसके बदले रखा गया आक्रमण। तो अब एक जगह एवेंजर्स असेंबल है और दूसरी जगह है एवेंजर्स आक्रमण। जाहिर सी बात है सभी सुपर हीरो फैन एवेंजर्स असेंबल ही बोलते हुए देखना चाहते थे, जो हमें फिलहाल इस मूवी की हिंदी डबिंग में सुनने को नहीं मिला, जो कि इस मूवी की हिंदी डबिंग की सबसे घटिया बात मुझे लगी है। खैर इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि एवेंजर्स एंडगेम की हिंदी डायलॉग को लिखा है गजनी हॉलीडे जैसी मूवीज के डायरेक्टर AR मुर्गुदास ने, और इस बेकार हिंदी डबिंग का क्रेडिट फिलहाल इनको ही जाता है, क्योंकि एज सुपर हीरो फैन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी डबिंग का काम स्टूडियोज को उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो इस फील्ड में प्रोफेशनल है, और यही रीजन रहा है कि डेडपूल 2, सिविल वॉर और एवेंजर्स एंडगेम में उस लेवल की हिंदी डबिंग नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए थी। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है इन सुपर हीरो मूवीज की हिंदी डबिंग के अलावा बाकी अदर मूवीज की हिंदी डबिंग डिसेंट ही रही है, यानी कि ठीक ही रही है। वैसे कुछ लोग स्पाइडरमैन होमकमिंग की टाइगर श्रॉफ की हिंदी वॉइस के बारे में जरूर बोलेंगे कि उस मूवी की हिंदी डबिंग भी बहुत बेकार थी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन होमकमिंग के लिए टाइगर श्रॉफ की वॉइस को अच्छे से मॉडिफाई करके पीटर पार्कर की वॉइस बनाया गया था, साथ ही स्पाइडरमैन होमकमिंग की हिंदी डब में ना के बराबर ही बॉलीवुड मूवीज के रेफरेंस थे। सो मेरे अकॉर्डिंग उस मूवी की हिंदी डबिंग इतनी ज्यादा खराब नहीं थी बल्कि डिसेंट ही थी। वैसे गाइस इन मूवीज के अलावा आपको और किन सुपर हीरो मूवीज की हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा खराब लगी है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको बेस्ट हिंदी डबिंग किस सुपर हीरो मूवीज की लगती है, ये मैं जरूर सुनना चाहूंगा। तो गाइस इसी के नोट पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.